4 मार्च 2023 पिपलाश शिव महापुराण पांचवें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कई उपाय पत्र उपयोगी जानकारी दी है। यह कथा इंदौर से लगभग 29 किलोमीटर दूर बेटोबा में वाची जा रही है। आज गुरुजी ने बताया है कि वे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो विदाई में आपको कभी भी भूल कर भी नहीं देना चाहिए, और साथ ही गुरुजी की आगामी जो 7 कथाएँ होने वाली हैं, अगली 7 कथाओं की जानकारी भी गुरुजी ने दी है, उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आज की कथा में गुरुजी ने 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस दिन आप अपने घर का कार्य छोड़कर कथा पंडाल में आकर बैठ जाते हो, जिस दिन आप अपने घर का कार्य छोड़कर मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा देते हो, जिस दिन आप अपने घर का कार्य छोड़कर घर में आई बहू बेटी का सम्मान, साधु संन्यासी का सम्मान, गौ माता को एक अन्न का दाना भी दे देते हो, तो यह समझ लेना कि आप पर शिव कृपा हुई है, तभी आप यह सब कार्य कर पा रहे हो। घर में बैठे रहने पर भी घर में आए गाय को आपने एक रोटी भी नहीं दे पाए, घर में बैठे बैठे आपने घर के द्वार में आए अतिथि को एक गिलास पानी भी नहीं पिला पाए, घर में बैठे बैठे घर में आई बहन बेटी को आपने सम्मान नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं दे पाए, तो यह समझ लेना कि पूर्व के पाप इकट्ठे हो गए हैं, जो आप यह सम्मान नहीं कर पाए, प्यासे को पानी नहीं पिला पाए और गाय को रोटी नहीं दे पाए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, लोभी व्यक्ति धन देखकर झुक जाता है। एक सत्कर्मी भजनावली शिव का मंदिर देखकर झुक जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। शोभा जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुजी आपके बताए उपायों से बाबा ने हम पर कृपा करी है। हम आपकी कथा 2 साल से सुनते आ रहे हैं और आपके बताए उपायों से मेरे पुत्र और पुत्री का जीवन बन गया है। वे दोनों 3 वर्षों से एग्जाम दे रहे थे पर उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, पर आपके बताए उपाय हमने किया, साथ में मैंने पशुपतिनाथ व्रत भी किया। मेरे पुत्र और पुत्री दोनों की मध्य प्रदेश पुलिस में नौकरी लग गई है, चयन हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में जा रहे हैं तो यह सोचकर कभी भी ना जाएं कि 1 दिन या 2 दिन या फिर कुछ महीनों के लिए ही मैं जाऊंगी या फिर सिर्फ सावन में मैं जाऊंगी। इस प्रकार से आपको मंदिर नहीं जाना है, आपको बल्कि निस्वार्थ भाव से निरंतर भोलेनाथ की भक्ति करते रहना है। महादेव की आप पर कृपा जरूर होगी, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की पाँचवीं जानकारी की ओर। भैरव सिंह यादव जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बहन को बच्चे नहीं थे, पेट में कैंसर की गांठ डॉक्टर ने बताया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अब कुछ ही महीनों की मेहमान है, और मैंने संकल्प ले लिया कि मेरी बहन की बीमारी में जो पैसा खर्च हो रहा है, अगर बाबा की कृपा से मेरी बहन ठीक हो गई तो वही पैसा मैं मंदिर बनाने में लगाऊंगा। और भोलेनाथ की कृपा से मेरी बहन ठीक हो गई है और मैंने मंदिर का निर्माण भी करवा दिया है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि कई लोग बोलते हैं कि क्या है आपके रुद्राक्ष में ऐसा, जो लोग इतना रुद्राक्ष करते रहते हैं और रुद्राक्ष के लिए हो रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा, कुछ बात तो ज़रूर होगी। तभी पहले दिन 20 से 22 लोग वहां पर आ गए रुद्राक्ष लेने के लिए। इसके बाद गुरुजी ने एक पत्र पढ़ा जिसमें लिखा था, मेरी धर्मपत्नी को लकवा की बीमारी हो गई, उसके मरने जैसी हालत हो गई, मरने की कगार में आ गई। मैंने डॉक्टर से इलाज भी करवाया पर वह ठीक नहीं हुई। फिर मैं सीहोर गया और सीहोर में जाकर रुद्राक्ष लेकर आया, और उस रुद्राक्ष को मैंने जल में डुबोकर जल में गलाकर वह जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया और थोड़ा सा जल प्राप्त करके लाता और वह जल उसे दे देता। ऐसा निरंतर करते रहा और धीरे धीरे उसकी बीमारी ठीक होने लगी। वह अब पूरी तरीके से ठीक हो गई है, वह चलने फिरने भी लगी है और वह बोलने भी लगी है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज शनि प्रदोष का दिन है और लोग कहते हैं शनि प्रदोष के दिन हम जिस भाव से भी महादेव से जो कुछ भी मांग लेते हैं, महादेव उसे सुन लेते हैं और हमें प्रदान कर देते हैं। शिव का एक रूप है दया, प्रतीक्षा और समर्पण का। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, अगर बेटी की विदाई है तो तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें विदाई में भूल कर भी नहीं देना चाहिए, वे 4 चीज़ें कौन सी हैं? तो वे 4 चीज़ें इस प्रकार से हैं, चलनी, झाड़ू, सुई, अचार की बरनी। ये सब चीज़ें आपको भूल कर भी विदाई में नहीं देनी चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की नौवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी भी चीज़ का उद्यापन करो, 16 सोमवार हो, प्रदोष हो, एकादशी हो, कोई भी व्रत हो, किसी भी व्रत का आप अगर उद्यापन कर रहे हो तो शिव महापुराण की कथा कहती है आपको अपने घर के लोगों को उसमें नहीं गिनना चाहिए, पहले आपको बाहर के लोगों को गिनना चाहिए जो कि आवश्यक है।
अब आपने अपनी ननंद देवरानी चाची सास को गिना है, वो तो वैसे भी आपके यहाँ आकर भोजन करने ही वाले थे, पर अगर आपने घर के लोगों को ही सम्मान दे दिया, बाहर के लोगों को नहीं दिया, तो इस प्रकार से घर के लोगों को उद्यापन में दिया गया सम्मान देने का जो पुण्य मिलता है, दान का जो पुण्य होता है, वह आधा हो जाता है। वो परिवार से बाहर के लोगों को अगर आप कुछ भी दान देते हैं तो उसका पुण्य दो गुना हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि बहन बेटी हमारे यहाँ आई तो हमने बहन बेटी को यह दिया वह दिया, खूब दान किया। तो गुरुजी ने कहा, घर की बहन बेटी को कभी भी दान नहीं किया जाता, वह दान कभी भी नहीं लेती है, वह अपना हक का लेती है, उसका हक होता है उसमें। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। राजेंद्र दास जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुदेव मेरे पेट में आंत की गांठ बन गई थी। बहुत से डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर ने जांच करके बताया कि आंत की गांठ है, और गांठ को निकालना पड़ेगा, इसके बाद उस गांठ को अलग करना पड़ेगा। डॉक्टर ने 3 लाख का खर्चा बताया और कहा कि बॉम्बे से डॉक्टर आएगा। ऑपरेशन के लिए मैं भर्ती हो गया। मैंने डॉक्टर से पूछा कि ऑपरेशन के बाद मैं ठीक हो जाऊँगा क्या, तो डॉक्टर ने कहा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। मुझे उस दिन रात भर नींद नहीं आई और मैंने डॉक्टर से छुट्टी करा ली, और मैं शिव के भरोसे हो गया कि अब जो शिव कहेंगे, शिव चाहेंगे वही होगा। मैंने मेरे मामा को सीहोर भेजकर उनसे रुद्राक्ष बुलवा लिया, और उस रुद्राक्ष को जल में डुबोकर वह जल शिवलिंग पर चढ़ाता और उस जल का आचमन कर लेता। औषधि रूप में प्राप्त किए हुए जल का आचमन करना शुरू किया, साथ में एक बेलपत्र भी चढ़ाता और उस बेलपत्र का भी आचमन कर लेता। ऐसा मैं निरंतर करने लगा और मैं बेलपत्र के पेड़ की भी पूजन करने लगा। कुछ दिनों बाद जांच के लिए फिर डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी गांठ गल चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने मैं कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कभी भी आप सीहोर आओ तो यह सोचकर मत आना कि आप सीहोर कुबेरेश्वर धाम आ रहे हो, बल्कि आपको यह सोचकर आना है कि आप अपने मायके आ रहे हो। शिव को पिता मानकर ही आपको सीहोर कुबेरेश्वर धाम आना है, क्योंकि अगर आप अपने पिता के घर जब भी आते हो तो वह कभी भी आपको अपने घर से खाली हाथ नहीं भेज सकता, झोली जरूर भर देगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। अनीता जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, देवर का एक्सीडेंट हो गया, देवर कोमा में चला गया था, डॉक्टर ने हाथ खींच लिए थे और अंतिम सांसें चल रही हैं ऐसा बोल दिया डॉक्टर ने, क्योंकि उसकी आंख खुली की खुली थी, झपक भी नहीं रही थी। मैं तुरंत शिव मंदिर चली गई। शिव मंदिर से मैंने एक बेलपत्र उठा के ले आई और डॉक्टर से निवेदन किया कि इस बेलपत्र को उसकी छाती में रख दो। निवेदन करने के बाद उस बेलपत्र को हमने जैसे ही उसकी छाती में रखा, उसकी सांस चलने लगी और डॉक्टर ने कहा कि अगर यह जीवित भी बच गया तो यह ऐसा ही बेड में रहेगा, बिस्तर में रहेगा, और इसकी याददाश्त भी नहीं रहेगी। तो गुरुजी, मैं आपको बताना चाहूँगी, वह पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुका है, वह चल फिर भी रहा है और उसकी याददाश्त भी सही है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि वक्त पड़ने पर अगर कोई आपके पड़ोस में है और उसकी तबीयत ख़राब है, तो अगर तुम्हारे पास सीहोर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष है तो तुम्हें उसे कह देना है कि यह रुद्राक्ष ले लो और इसके जल का आचमन करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, उसका आचमन करो। इस प्रकार से आपको सेवा भाव रखना चाहिए, इस प्रकार से आपको दूसरों की मदद करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं और अंतिम जानकारी की ओर। 14 से 20 फरवरी 2023 तक जो अगली कथा होने वाली है, यह कथा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होगी। इस कथा का एड्रेस गुरुजी ने बता दिया है, जो कि इस प्रकार है। यह कथा ग्रेटर नोएडा में होने वाली है, जिसका एड्रेस इस प्रकार से है, उमा पब्लिक स्कूल, इकोटेक 11 बेनेट यूनिवर्सिटी के पास, दनगोर, ग्रेटर नोएडा। एक बार फिर से सुन लीजिए, उमा पब्लिक स्कूल, इकोटेक 11 बेनेट यूनिवर्सिटी के पास, दनगोर, ग्रेटर नोएडा। इसके बाद जो अगली कथा होने वाली है, वह 4 से 10 अप्रैल 2023 उज्जैन महाकाल की नगरी में होने वाली है। उसके बाद जो अगली कथा होगी, वह 5 से 11 मई 2023 अकोला महाराष्ट्र में होने वाली है। उसके बाद जो अगली कथा होने वाली है, वह कथा 17 से 23 मई 2023 नेपाल में होने वाली है। इसके बाद जो अगली कथा होगी, 1 से 7 जून 2023 जबलपुर मध्य प्रदेश में होने वाली है। उसके बाद जो अगली कथा होगी, वह 19 से 25 जून 2023 तक छपरा बिहार में होने वाली है। गुरुजी ने कहा, अभी जून तक की हम कथाओं का शेड्यूल आपको बता रहे हैं, इसके बाद जब अगली कथाओं का शेड्यूल बताएंगे तो उसमें हम आगामी की 6 महीनों की कथाओं की जानकारी देंगे। अब आज शनि प्रदोष है और मैं जाते जाते आपको एक शनि प्रदोष का एक काफ़ी अच्छा उपाय बताते जा रहा हूँ। घर में पैसों की कमी हो, कर्जा बढ़ता चला जा रहा हो, पैसों की बहुत तंगी बनी रहती हो और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, ना व्यापार चल रहा हो, ना सरकारी नौकरी लग रही हो, तो आपको बस एक काम करना है, शाम के समय मतलब प्रदोष काल में, प्रदोष काल वह समय होता है जो सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद तक का समय रहता है, तो आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर एक लंबी बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करना है।
यह दीपक आपको माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित करना है, इसलिए आपको लंबी बाती का उपयोग करना है। बस इतना ही करना है। इस उपाय को करने से महालक्ष्मी के साथ साथ नारायण भी आपके घर में प्रवेश कर जाते हैं और आपके घर में धन संपदा की कमी देखने को नहीं मिलती है। ऐसे योग बन जाते हैं जिससे आपका व्यापार भी बढ़ जाता है और घर में अगर सरकारी नौकरी किसी की नहीं है, प्राइवेट नौकरी नहीं है, तो नौकरी के भी योग बनने लगते हैं। यह उपाय आप प्रत्येक शनिवार को कर सकते हैं, पर इस शनि प्रदोष के महासंयोग में यह उपाय जरूर कीजिएगा। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की कथा की जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।